प्रिय मित्रों, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नयननाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आज रविवार शनिवार का दिन है। सभी शनिवार के रोज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सूर्य ग्रह कुंडली के प्रत्येक राशियों में कैसा प्रभाव देता है, क्या क्या लाभ, क्या हानि, क्या देता है। ये सुनिए, जिसके लग्न में सूर्य बैठा हुआ है ये तेजस्वी होते हैं, होनहार होते हैं, विद्वान होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग कर्मठ खिलाड़ी होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की इनमें क्षमता होती है। जिसके तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं और इनको माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, ऐसे लोग गुप्त शिक्षा के ज्ञाता होते हैं, टेक्निकल शिक्षा होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग IAS, IPS, CA, डॉक्टर। जिसके कुंडली में छठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग दुश्मन को भी मित्र बनाते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को पहचानने की क्षमता रखते हैं और कुशल व्यवहारिक होते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में सूर्य बैठा हो ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सही नहीं होता है, इच्छा अनुसार शादी नहीं होती है, जीवन में हमेशा विवाद बना रहता है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में सूर्य हो ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, संगीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है ऐसे लोग राजनीति में विश्वास रखते हैं, स्वतंत्र व्यापार करते हैं, स्वतंत्र विचार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूर दूर तक अपनी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा फैलाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो ऐसे लोग आर्थिक नुकसान सहते हैं, व्यापार में हैं तो घाटा खाते हैं, नौकरी में है तो सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे लोग को अधिकारियों से विवाद रहता है। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग अचानक धन पाते हैं, अचानक पद पाते हैं, अचानक व्यापार में लाभ होता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में सूर्य बैठा हुआ हो ऐसे लोग दानी होते हैं, उदार होते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश धन कमाते हैं, इनके संतान योग्य होते हैं, पारिवारिक सुख जीवन में पूर्ण प्राप्त करते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या अपने कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा शुल्क देना होगा, फीस देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111। इतना कहकर मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।